बहुत ही सुंदर और घने जंगल में मैं सर्पमित्र आनंद चिट्टी गुरुकुल EduTech चैनल की ओर से हमारे चैनल के सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। बहुत सुंदर जंगल में ये सुंदर सांप हम आज़ाद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। देख सकते हैं धामन जाति का सांप है, यही निकल पड़ा। बहुत ही सुंदर जगह पर ये नाग है, लेकिन नाग ज़्यादा हिलता नहीं, लग तो रहा था लेकिन फन नहीं निकाला। फिर भी ये नाग है, बहुत ही सुंदर जगह पर इसको हमने इस तरह से आज़ाद किया। ये रिक्वेस्ट की इतनी जल्दी उसको फूल भी मिला और इसमें वो अंदर चला गया। बहुत ही घना जंगल और सूखे पत्ते से भरपूर जंगल ये दिखाई देगा। हो सकता है सांप दिखाई नहीं ना दे, क्योंकि पत्तों में बहुत मैच हो जाते हैं। आप अच्छी तरह से देखिए, फन निकालने के बाद अच्छे से पहचानते वो नाग होता है। और ये निकालने के लिए कुछ सुनने की जाँचने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से निकाल दिया और ये पत्तों के बीच में ऐसे निकल पड़ा। बहुत ही सुंदर जंगल में इसको छोड़ा है, उम्मीद है बहुत खुश रहेगा अलग करके। ये तो मुझे लग रहा है कि 100% धामन है, ये हो गया। बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है जंगल है, बहुत दूर तक। और कंक्रीट के बीच में अपनी ज़िंदगी निकालने वाले इस सांपों को इंसान के खतरों के बीच रहकर ज़िंदगी निकालने वाले इन सांपों को हम उनकी जगह पर, उनकी खास जगह पर, सुरक्षित जगह पर छोड़ने के लिए इस तरह से बहुत बड़ा बहुत सुंदर सांप निकल पड़ा। बाय बाय दोस्त। ये सभी ये धामन निकला, सभी प्रकार के सांपों के लिए सुरक्षित जगह है धामन। तो यहाँ पर बहुत खुशी से और अच्छे से रह सकते हैं। ये जगह ही ऐसा कुछ खास है, धामन काफ़ी देर रुकता नहीं है। अभी आपको ये सूंघ रहा है, हमें पहचानने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा उसको हमारा एहसास हुआ तो इस तरह से तेज़ी से जंगल की ओर निकल पड़ा। चलिए अब उसको जाने देते हैं, बहुत ही सुंदर जंगल में। कि ये काम हमारे साथ, हम जो वहाँ पर रहते वहाँ पर शुरू होता है और इनकी जगह अलग है और हमारी अलग, और हम इस काम से जुड़े हुए हैं इसलिए हमें ये काम सुंदर लगता है। और आपको भी जो हमारे आप दर्शक बने हुए हैं, हमें हौसला साथ में हिम्मत देते रहते हैं काम करने के लिए। लेकिन जंगल में नहीं रह सकते, जंगल में तो इनको रहना है, इनके लिए खास जगह है। ये देखिए कितना सुंदर नाग है, फन नहीं निकाला लेकिन इस तरह से सुंदर जंगल में उसको हमने आज़ाद किया है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। खतरनाक हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जंगली हिस्ट प्राणी रहते हैं, हिरण के साथ शेर, मतलब यहाँ पर हिरण भी ज़्यादा है तो शेर बाघ यहाँ पर अच्छी तादाद में दिखाई पड़ते हैं। हालांकि 18 साल में पिछले कभी उनसे हमें तकलीफ नहीं हुई है। कुछ देर पहले हमने हिरण देखा, लेकिन आपको शेयर करने से पहले, कैमरा लेने से पहले, शूट करने से पहले वो भाग गया। सफ़र यहाँ पर आज के लिए ख़त्म होता है। आपसे और इस जंगल से विदा लेने का, हमारे सांपों से विदा लेने का वक्त है, क्योंकि हम इस सफ़र का आखिरी सांप यहाँ पर मुक्त कर रहे हैं। आज के लिए यहाँ पर यह सफ़र रुकने वाला है और इस सुंदर सांप को हम सावधगिरी से छोड़ रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर, बहुत ही सुंदर। देखिए थोड़ा सा डराने की कोशिश कर रहा है, इतने सुंदर जंगल में छोड़ दिया है, इसको पता ही नहीं है कुछ।
ये देखो क्या क्या करता है हरकतें, इसको पता ही नहीं है। और इसलिए मेरे को इस तरह से, ये देखिए हर सांप की कुछ विशेषताएँ होती है। थोड़ा सा झलांग जैसे लगा रहा है फिर भाग रहा है, ये देखने को मिलता है हमें। बहुत सुंदर। और इस सांप के साथ आज का वीडियो ख़त्म होने वाला है। और ये नज़ारा इसका हमें यहाँ पर मुक्त है, देखिए ये देखिए किस तरह से क्या क्या कर रहा है। ये देखिए शर्मा रहा है, उसको भी जाना है। और देखने के लिए ठीक है, लेकिन उसको भी तकलीफ होती है इस बात की। लेकिन आपको कुछ बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, इसलिए सभी कोशिश रहती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप लाइक कीजिएगा, अपने लोगों में फैलाइए। सांप पकड़ने के साथ हम जो दिखाते हैं या छोड़ने के बाद दिखाते हैं, उम्मीद है आपको जो सच्चाई से रूबरू करना चाहते हैं वो जानकारी आप तक पहुँची होगी। और इस सफ़र में आपका योगदान बहुत ही अमूल्य है। आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आपसे, इन सांपों से और इस जंगल से विदा लेते हैं। सफ़र जारी है, हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।